गरीब वर्सेस अमीर की सर्दी। छोलेरे नाम का एक गांव था। हमेशा गांव बर्फ के पहाड़ों के पास होने के कारण हमेशा उस गांव में ठंड पड़ती थी। उस गांव में नीरव नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी फैमिली हमेशा ठंड के समय स्वेटर पहनकर बर्फ में एंजॉय करती थी। उनकी फैमिली ऐसे ही एक दिन एंजॉय कर रही थी कि तभी वहाँ पास में रहने वाले गरीब बच्चे दिव्या और गणेश आए। फैमिली को देखते हुए गणेश से दिव्या, भैया वो लोग ठंड में इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, पर हमें क्यों इतनी ठंड लगती है? गणेश, बहना उन लोगों ने ऊपर जो कपड़े पहने ना, वो ठंड को नहीं आने देता, ठंड पास आते ही वो भगा देता है। यूं कहा दिव्या। भैया हम भी ऐसे कपड़े पहनने के लिए क्या करना होगा भैया? गणेश, उसके लिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, फिर हमें अच्छी सी जॉब मिलेगी, तब बहुत पैसे भी आएंगे, उससे ही हमें खरीदना होगा। दिव्या, पता नहीं भैया आप जो बोल रहे हो वो सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलिए घर चलते हैं। यूं बोली और वे घर चले गए। उस दिन रात को बच्चों को बहुत ठंड लगने के कारण गणेश के पिता साहू घर के बाहर लकड़ियों से आग जलाया। उस आग की मदद से पूरी फैमिली ठंड को बर्दाश्त कर रही थी। तब साहू से दिव्या, पापा पड़ोसी के जो बच्चे हैं उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं पापा, वो इतनी ठंड में खेल रहे तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है पता है, मुझे और भैया को भी ऐसे जैकेट्स खरीद कर दोगे क्या? यूं पूछी और साहू बेचारा दुखी होकर वहाँ से चले गया। इतने में ही दिव्या से मम्मी, देखो तुम्हारे पापा को जो मन में आए वो मत पूछा करो, उनके पास अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तब पक्का खरीद कर लाएंगे। यूं बोली। इसके बाद सब घर चले गए। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद साहू चोरी छिपे नीरव के घर के अंदर घुसकर बाहर लटकाए हुए बच्चों के कोट चोरी कर रहा था कि तभी नीरव ने साहू को पकड़ लिया। नीरव के घर वाले सब बाहर आ गए। साहू से नीरव, क्या रे चोर कही के, तुझे शर्म नहीं आती मेरे बच्चों के कपड़े चोरी करते हुए? यही रुक, अभी पुलिस को फोन करके तुझे अरेस्ट करवाता हूँ। साहू, सर एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपकी इच्छा। यूं कहा नीरव, क्या बोलेगा रे अब तू, तेरे बच्चों को देने के लिए मेरे बच्चों के कपड़े चोरी कर रहा है, इतना नहीं पता क्या मुझे? साहू, नहीं सर, कल मैं आपके घर के सामने से जा रहा था, दो लोग आपके घर के सामने खड़े होकर बच्चों की स्कूल बस की और सारी जानकारी ले रहे थे, मुझे डाउट हुआ और उन्हें ध्यान से सुना, आपके बच्चों को किडनैप करने का प्लान कर रहे थे सर, ये सब आपको मिलकर बोलने की बहुत कोशिश की पर आपने मुझे देखा नहीं इसलिए उन्हें फॉलो किया, एक दिन चोरी छुपे उन्होंने आपके बच्चों के जैकेट में कुछ रखा था सर, वो क्या है देखने के लिए ही आया था सर, बस आप चाहो तो चेक कर लीजिए सर। यूं कहा नीरव ने पूरे कोट को चेक किया, उनमें से कुछ ट्रैकिंग डिवाइसेस मिले। तब साहू से नीरव, मुझे माफ कर दो साहू, तुम मुझे पैसे पूछने के लिए मिलना चाहते हो सोचा, पर आज तुमने मेरे परिवार को बचाया है, ये सब मैं अभी पुलिस वालों को बोलता हूँ, बहुत शुक्रिया साहू। यूं कहा। ये सब के बाद नीरव ने साहू को अपनी कंपनी में अच्छी सी जॉब ही नहीं पर एक अच्छा सा घर भी दिया और उसके बच्चों को अच्छे कपड़े भी दिए। इस सब से साहू और उसकी पत्नी सब बहुत खुश हुए।